आज इस बॉक्स में मेरी सदियों की मेहनत है, मेरी जिंदगी की कमाई है। ना, जस्ट किडिंग। जो सपाट महंगा हो या ना हो, मगर ये अभी प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मेरे सेटअप के लिए। बेसिकली इसमें बैकडॉप है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने आने वाले वीडियोस पे, जो कि मैं अपने इस नए रूम पे लगाने वाला हूँ। तो पहले इसको खोल लेता हूँ, फिर सेटअप करूँगा, आपको सब कुछ मैं दिखाऊँगा। चलो फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत हेवी है और बहुत बड़ा है, एंड प्रोबेबली इसमें बहुत सारे सामान अंदर पे होने वाले हैं। चलो जल्दी से इसको मैं काट के निकालता हूँ। ओके, तो प्रोबेबली दो स्टैंड होने वाले हैं। भाई बहुत हेवी है, जिम का याद आ रहा है। ओके, ये एक नाइस बैग में हमको दो स्टैंड देखने को मिलते हैं। भाई आवाज मत होना, आवाज हो ही गया। और ये अंदर में एक काला कपड़ा, क्योंकि मेरे को काला कपड़ा यूज करना ज्यादा बेहतर लगता है एज ए बैकडॉप। और बाकी इस बॉक्स के अंदर में कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स का काम यहाँ पर हो गया। अब हम अनबॉक्स करते हैं, ये मतलब अनपैक करते हैं कि अनबॉक्स करते, कुछ भी बोल लो। अबे इसका चैन गिरा है। ओ भाई, ओ अच्छा, यहाँ पर इसका चैन है। तो चलो पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ताकि आप देख सको। यू भाई, बहुत सारे पेपर वर्क है। आई डोंट नो ये सबका क्या काम है। अमेजॉन का, ये टीम की तरफ से इंस्टाग्राम, कैनन एक्सप्लोर बोल के बहुत सारे पेपर वर्क है। और यहाँ पर बहुत सारे रॉड है, ठीक है। ये रॉड हम यूज कर सकते हैं किसी को मारने के लिए। जस्ट किडिंग, किसी को मारना मत किसे, वैसे मैं तो मानने वाला हूँ क्योंकि मेरी आई दिन झगड़े होते रहती है, तो मैं इसको सेकेंडरी वेपन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। नो, आई एम जस्ट किडिंग। ओके गाइस, मैं इन बातों को सीरियसली मत लेना, बिकॉज मैं कभी सीरियस नहीं होता, मतलब होता हूँ बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलो फटाफट इसको सेटअप करते हैं। One eternity later. गाइस सेटअप होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। ये बैकडॉप बहुत सस्ते में, बहुत अच्छा प्राइसिंग में हमको देखने को मिला है। हालांकि मतलब बैकडॉप बहुत महंगे महंगे आते हैं, ये बिगिनर्स के लिए सही है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हिपिंग की तरफ से अच्छा एक बैकडॉप है। वन बैड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज इन्होंने कोई भी किस्म का हुक नहीं दिया जिससे कि हम मतलब अपने बैकडॉप को अच्छा से होल्ड कर सके, जिसके वजह से बहुत सारे रिंकल्स हमको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही लाइट ऐड किया है यहाँ पर, ये ब्लू लाइट। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर में लाइट ऐड करने वाला हूँ, तो डुअल टोन लाइट हमको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल क्या है ना कि आप लाइटनिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ग्रे बैकग्राउंड के लिए जाए, बिकॉज ग्रे बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मगर मुझे ब्लैक चाहिए था तो मैंने ब्लैक यूज किया है। अभी जैसा कि मैं आपको बताया था, आप लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैं तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत किस्म के लाइट को सब चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे लाइटनिंग चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपके पास दो लाइट हो जाए तो आप इसको बहुत किस्म, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ करके अपने वीडियो पे टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप बाय कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भेजो जो कि बैकडॉप लेने के बारे में सोचे हैं।